लेकिन माधुरी जी बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, लेकिन वो वाले सवाल मैं आपको जब कॉफी पे मिलूंगा तब पूछ लूंगा। अच्छा। फिलहाल वो सवाल पूछ लेता हूँ जो ये जानना चाहते हैं। माधुरी मुझे बताएं सबसे पहले डांस फॉर हैप्पीनेस, राइट, प्लीज टेल अस अबाउट दैट फर्स्ट। वेल डांस मेरे हमेशा एक पैशन रहा है, एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव बट डांस इज माई पैशन। और मैं 3 साल की थी तब से मैं डांस सीख रही हूँ। And dance gives me a lot of happiness. It gives me pleasure. It gives me a spiritual, kind of an experience for me. तो मैं चाहती थी कि ये experience, ये जो pleasure, ये जो happiness है, वो मैं लोगों के साथ बांट सकूँ। क्योंकि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, मैं चाहती थी कि dance हर घर घर तक जाके पहुँचे और हर आदमी dance सीख सके at some level or the other. तो ये मेरे मन में विचार था जब ये आइडिया आई मुझे कि ये कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इससे डांस विद माधुरी बना। और इसमें अच्छे अच्छे गुरुज, जो आप देखते हैं हमेशा प्रॉब्लम्स ही होते हैं जब भी कोई सोचता है मैं डांस सीखूं, तो कौन गुरु होने चाहिए, किसके साथ सीखना चाहिए, और अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि आजकल कहीं भी जाना तो ट्रैफिक इज अ नाइटमेयर, तो घर बैठे भी सीख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द आइडिया ऑफ डांस विद माधुरी केम अबाउट, वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द गुरुज, यू कैन लर्न एट योर ओन कन्वीनियंस, और अपने ही घर में जब भी चाहे आप सीख सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन हाउसवाइव्स, जो घर में बेचारी पूरा अपना वक्त अपने फैमिली को दे देते हैं, खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो अपने घर पे ही वो सीख सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और बहुत अच्छे अच्छे गुरुज के साथ, जो बेस्ट लोग हैं अपने अपने डांस स्टाइल्स में, जो माहिर है, उनसे सीख सकते हैं। तो ये सब आइडिया थी और उससे डांस विद माधुरी बना। क्या बात है, अब मतलब घर घर का नक्शा बदलने वाला है। आराम से भिंडी काटते, कटले कटले आज भिंडी तू कट, मतलब अलग अलग स्टाइल में, मतलब कितनी कन्वीनियंस आ जाएगी माधुरी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मतलब हर एक्शन को आप बना सकते हैं डांस। क्या बात है, बिल्कुल। अब आपने ये बात छेड़ दिया, आपने खुद ही पंगा लिया। ये आपने क्यों पंगा लिया मैं आपको भी बताऊंगा। अच्छा। पर उससे पहले आप बताएं, हाउ हैप्पी आर यू, बिकॉज़ यू नो द डांस स्टूडियो विल बी टचिंग मिलियंस ऑफ हार्ट्स, यू नो, और इतना पहुंचेगा डांस जी। बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि डांस स्टूडियो के इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, और उन सबको हम इस माधुरी, डांस विद माधुरी के थ्रू हम डांस स्टूडियो में सिखा सकेंगे और वो लोग सीख सकेंगे, और उसी बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर टुडे एंड दिस इज अ ग्रेट डे फॉर मी। क्या बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे देखिए, ये सभी जानते हैं कि मैं एक होस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, लेकिन मैंने अंदर का राज कभी किसी को बताया नहीं। मैं एक बहुत बड़ा डांसर भी बनना चाहता था लेकिन मैंने वो कहीं बीच में छोड़ दिया। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये डांस विद माधुरी पे भी आ चुके हैं। यस, और डांस कर चुके हैं, तो आप इन्हें भी देखेंगे, आप देख लेंगे ऑन द स्क्रीन। देखेंगे क्या, अभी देखेंगे। हेलो, या गुड आफ्टरनून टू ऑल, कांग्रेचुलेशंस माधुरी जी। थैंक यू। एंड आई लाइक टू आस्क यू दैट बॉलीवुड इंडस्ट्री, डांस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आपने नोटिस किया है डांस के बारे में? चेंजेस तो हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि जैसे ये दुनिया छोटी होती जाती है, नए नए डांस स्टाइल्स आ जाते हैं, लोग उन्हें भी अपने गानों में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो वो सब चेंजेस हम देखते हैं। लेकिन बेसिक जो बॉलीवुड का जो डांसिंग है, उसमें जॉय है, उसमें हैप्पीनेस है, वो सब तो कायम रहता है। सिर्फ थोड़े से यहाँ वहाँ जो स्टेप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। Hello Madhuri, yes, this is Pooja. Hi. Hello. Congratulations for this great initiative. Thank you. I would like to ask you, what was the toughest moment for you as far as Bollywood dances are concerned? Everybody knows you are a great dancer. This toughest meri jo problem thi wo Saroj ji janti hai bahut acha. Kyunki I was a classical dancer. Main Kathak sikhi hui thi, mujhe Bollywood dancing bilkul aata nahi tha. और जब हमने उत्तर दक्षिण एक साथ की थी तो बोले सरोज जी, बोले इंडियन तो तुम कर लेती हो ठीक ठाक, लेकिन जो बॉलीवुड का जो एक अंदाज होता है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। और जब तेजाब फिल्म हम करने वाले थे एक साथ, तो सरोज जी ने कहा कि जब हम ये फिल्म करेंगे तो तुम्हें बहुत सारी रिहर्सल्स करनी ही पड़ेगी। मैंने बोला मैं करना ही चाहूंगी सरोज जी, और हमने बहुत सारी रिहर्सल्स की, और उनसे मैं एक्चुअली कि बॉलीवुड डांसिंग क्या होता है मैं उनसे सीखी हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कोई ऐसा, जैसे डांस जो है वो पैशन है सबके लिए, आपके लाइफ में जब भी कोई कुछ टेंशन या ऐसा कभी हुआ जिसकी वजह से आपने डांस किया और आपका मूड फ्रेश हो गया,
हमेशा ही होता है, कभी ऐसा जब भी कोई भी टेंशन आता है मैं डांस कर लेती हूँ. आई थिंक दैट्स द बेस्ट आउटलेट स्ट्रेस के लिए, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. जैसे कोई कोई मेडिटेट करता है, कोई योगा कर लेता है, मैं डांस कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी हो मूड आपका, डांस आप कर लेंगे तो एक रिलीज मिल जाता है, यू फील हैप्पीनेस. दैट्स व्हाई हमने इसे डांस फॉर हैप्पीनेस कहा है. मेरा सवाल है माधुरी दीक्षित से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. माधुरी जी, कोई डांसर बनना चाहता है तो आपकी नजर में उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए एक अच्छे डांसर में, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मुझे लगता है एक तो एक्सप्रेसिव होना चाहिए, फेस एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एक ग्रेस होनी चाहिए, एक खुद को कैसे कैरी करना है वो एक चीज होनी चाहिए. आई थिंक जब ये सब आप एक साथ डालते हैं, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और रिदम, तो एक अच्छा डांसर बन सकता है. माधुरी जी, आप खुद बहुत अच्छा डांस करती हैं इस तरफ, लेकिन जब किसी को खराब डांस करते हुए देखती हैं तो आपको कैसा लगता है? उलझन होती है, गुस्सा? मुझे ऐसा लगता है डांस विद माधुरी, प्लीज आप जाइए मेरे वेबसाइट पर, सीखिए प्लीज डांसिंग. माधुरी जी, ये डांस ऑनलाइन ज्यादा सीखना बेटर है या गुरु जी के सामने बैठ के शिक्षा लेना ज्यादा बेटर है? Well, दोनों ही बहुत फायदेमंद है. गुरु जी जब सामने होते हैं तो आपको बता सकते हैं कि आप ये ठीक हाथ नहीं हो रहा या वो. लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल और जो ट्रैफिक और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे इवन हाउसवाइफ्स जो होती हैं उनको बाहर जाना ज़्यादा मिलता नहीं है क्योंकि दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली, तो उनके लिए आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड. क्योंकि आप अपने ही घर में अपने सुविधा से आप सीख सकते हैं जब भी आप चाहें. जब आप क्लास में जाते हैं तो एक घंटा सीख के आप वापस आ जाते हैं, जो भी आपने एब्जॉर्ब किया है वो आपको याद रख के फिर वो करना पड़ता है. लेकिन जब आप सामने सीख रहे हैं और अगर आप वेबसाइट पे या हमारे डांस स्टूडियो में सीख रहे हैं तो आप बार बार वो देख सकते हैं और बार बार उसी स्टेप को दोहरा सकते हैं. तो मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन ये भी एक किस्म का लर्निंग है और हमने इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं जहां लोग सीखते हैं और वेबसाइट पे मेरे अपना जो डांस किया हो पिक्चराइज करके अपलोड करते हैं और हम देखते हैं कि वाकई वो सीख चुके हैं डांसिंग. हाय माधुरी, योर दिस साइड, कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस न्यू इनिशिएटिव. थैंक यू. दिस इज वन गुड न्यूज फॉर ऑल द डांस लवर्स, बट देयर इज अनदर गुड न्यूज फॉर योर क्लोज फ्रेंड सलमान खान टुडे, हु मे बी फ्री ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम. व्हाट वुड यू से, बिकॉज यू नो हिम पर्सनली, आर यू हैप्पी फॉर हिम? यू नो, आई स्वेयर आई डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज राइट नाउ आई एम टोटली इन दिस मूड टुडे दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट टाटा स्काई पे ये आ रहा है, डांस स्टूडियो आ रहा है. सो आई थिंक इफ वी स्टिक टू दोज क्वेश्चंस इट विल बी सो नाइस. थैंक यू सो मच. या हाय, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव. थैंक यू.